इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये एसी मेरा ऑन है मगर चल नहीं रहा। अब मैं इसे बंद करूँगा, बंद कर दिया है, और जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा ये ऑन होगा, फिर बंद हो जाएगा फौरन। ये देख, मैं ऑन कर रहा हूँ इसको, वो झटका लगाया फिर बंद हो गया। ठीक है ना, इधर मैंने ऑन किया, मैंने इसको बंद कर दिया, फिर जब भी इसको मैं ऑन करूँगा ना, ये एसी चलता नहीं है, झटका लगा कर बंद हो जाता है। फिर ये देखें, मैं इसको ऑन करूँगा अभी, ये वो उधर झटका लगाया फिर बंद हो गया। अब ये क्या इशू है, मैंने एक कारीगर से शेयर किया, मगर वो कारीगर अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार था, तो उसने मुझे कहा है भाई ये कोई आपके एसी का फॉल्ट नहीं है, आपका जो एसी है ना ये रिमोट से बंद है, आप रिमोट से इसको ओपन कर दें फिर इस तरह इशू नहीं होगा। अब देखें, ये ऑन है इधर से बटन, मगर ये बंद है। अब अगर इसे मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो फिर झटका मार के बंद हो जाता है, एसी चलता नहीं है। अब मैं इसको रिमोट के साथ चलाऊंगा, ये फ़ौरन चल जाएगा। अगर कभी आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप ये देख लीजिएगा कि आपके रिमोट से ये बंद तो नहीं है। अब यह मैं शौक को रिमोट से ऑन करता हूँ, ये देखें वो ऑन हो गया। कोई इसमें फॉल्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ को पता नहीं होता तो वो फिर कारीगर को दिखाते हैं, और कारीगर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जी इसका गैस लीक है, यूँ है, या आपकी चीज़ ख़राबी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह अगर कभी आपका इशू हो तो आप रिमोट से ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। यार चल रहा है बेहतरीन है।